एवरीवन, आई एम सुषविंदर। हाय एवरीवन, आई एम मनप्रीत। हम आज लेके आए हैं नए इंट्रोडक्शन क्वेश्चन की डिस्कशन। जनवरी और फरवरी 2021 में नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, और हम दोनों आपको वो क्वेश्चंस बताएंगे कौन से न्यू क्वेश्चंस आए हैं, और थोड़ा सा हम आपको आइडिया भी देंगे कि क्या बोलना चाहिए उस टॉपिक पे या नहीं। तो मनप्रीत, आजकल कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मेनली वो पूछ रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड मोरओवर फार्मिंग के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, एंड मोरओवर डेकोरेशन के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड जो न्यू टॉपिक आ रहे हैं, इवन के न्यू ईयर के रिगार्डिंग भी वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो जैसे मनप्रीत ने कहा कि न्यू ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कौन से नए क्वेश्चन आए हैं न्यू ईयर से रिलेटेड। अब देखिए, फरवरी में न्यू ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इट विल बी जनरल क्वेश्चंस, नॉट अबाउट पर्टिकुलर दिस न्यू ईयर। जैसे कि हाउ डू यू सेलिब्रेट न्यू ईयर, डू यू स्टिल रिमेंबर अ न्यू ईयर दैट यू सेलिब्रेटेड, डू यू हैव एनी सेरेमनीज टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर इन योर कंट्री, व्हाई डू पीपल थिंक न्यू ईयर इज अ न्यू बिगनिंग। अब देखिए, इसमें स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि कौन सी सेरेमनीज हैं जो सेलिब्रेट करते हैं वो न्यू ईयर पे। न्यू ईयर देखिए, हर कंट्री, हर रिलीजन, हर कल्चर के लिए डिफरेंट है। हम लोग मकर संक्रांति पे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारा देसी न्यू ईयर, मोस्टली पंजाबी सेलिब्रेट। हाँ, उस दिन हम क्या करते हैं, होली बात लेते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, और जनवरी फर्स्ट को केक काटने की सेरेमनी का ट्रेंड है, चाहे वो घर पे हो, चाहे ऑफिसेज में, चाहे कॉलेज स्कूल्स में। तो आप इसकी बात भी कर सकते हैं। मनप्रीत, और किस तरह के क्वेश्चन बताओ? मेनली डेकोरेशन के रिगार्डिंग भी, जैसे आजकल पूछे जा रहे हैं कि आप अपना मतलब घर कैसे डेकोरेट करते हैं, जैसे लाइक व्हाट इज डेकोरेशन लाइक इन योर होम, व्हाट काइंड ऑफ डेकोरेशन डू यू प्रेफर, डू इंडियन पीपल लाइक डेकोरेटिंग देयर होम्स, व्हाट्स योर फेवरेट कलर व्हेन डेकोरेटिंग योर होम। तो इसके रिगार्डिंग आजकल वो क्वेश्चंस काफी पुट करते हैं। रिसेंटली अभी दो स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है, तो उनसे डेकोरेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पुट कर रहे थे। जैसे फर्स्ट था कि व्हाट इज डेकोरेशन लाइक इन होम, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो? मेनली इसमें यही है कि हम वॉल्स का कलर बता सकते हैं कि कौन कौन से मतलब वॉल्स पे कलर हमारे घर पे हैं, रेड, व्हाइट, पर्पल, वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। एंड मोर ओवर इसमें आप पिक्चर्स का भी बता सकते हो कि आपकी वॉल्स के ऊपर किस टाइप की पिक्चर्स हैंगिंग हैं। मेनली आप अपनी फैमिली की बता सकते हो, खुद की बता सकते हो, और इसके रिगार्ड इसके साइड आप बोल सकते हो कि आपके बैकयार्ड में किस टाइप के फ्लावर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है कि डू इंडियन पीपल लाइक डेकोरेटिंग देयर होम्स, मुझे ऐसे लगता है हम इंडियन पीपल तो बहुत ज्यादा डेकोरेट करते हैं, हम तो रादर ओवर डू ही कर देते हैं। हम लोग तो अगर नई डेकोरेशन लाते हैं तो हम पुरानी भी नहीं थ्रो करते, है ना? मोस्टली एंटीक्स भी हम रखते हैं अपने घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसके बारे में भी स्टूडेंट्स बता सकते हैं इसमें, ठीक है? और देखो मनप्रीत, एक नया टॉपिक जिस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वैसे तो ये पुराना है, दोबारा अब आया 21 में, फार्मिंग। अब देखिए, हमें भी पता है फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फार्मर प्रोटेस्ट को लेके नहीं है, ये फार्मिंग को रिलेटेड, जनरल फार्मिंग। जैसे कि हैव यू विजिटेड अ फार्म, व्हाट काइंड ऑफ फार्म डू यू लाइक, डू यू थिंक फार्मिंग इज इम्पोर्टेंट। मेरी वैसे पंजाब के बच्चे इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये फार्म्स के रिलेटेड है, तो वो ऑब्वियसली सब वहां पे रहते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन इसमें ये आया फार्मिंग में, डिड यू डू फार्म वर्क व्हेन यू वर यंग। इसमें स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो फार्मिंग वर्क किया नहीं। तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने नहीं किया तो नो में भी आंसर दे सकते हैं। एक बड़ा मिथ है मनप्रीत, लोग कहते हैं नो में आंसर देना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, आप सिटी में रह रहे हैं, आपके पेरेंट्स वर्किंग है, आप फार्म में गए ही नहीं, तो हाउ कैन यू से कि आप फार्म वर्क कर चुके हो। तो बेटर है से कि आई नेवर गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें नो आंसर देना भी कोई हार्म नहीं है। और बताओ मनप्रीत, कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? ठीक है, तो ये स्टूडेंट इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी करंट लाइफ को। और उसके बिना, इन व्हाट स्टेज ऑफ योर लाइफ वर यू द हैप्पीएस्ट, देन आफ्टर दैट व्हिच स्टेज ऑफ योर लाइफ डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में जैसे स्टूडेंट से अपनी 18th भी बोल सकते हैं स्टेज, जो उनका 18th बर्थडे आता है तब भी वो बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे जाके वो उनको एक लाइसेंस मिल जाता है ड्राइविंग करने का, एंड मोर ओवर एक वो अडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं। दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट टीनेज। कई लोगों के लिए देखिए, टीनेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, किसी के लिए चाइल्डहुड है
और कई लोग जो करंट अपनी स्टेज है वो भी लाइक करते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हो। फर्नीचर पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसमें स्टूडेंट देखिए कहाँ कंफ्यूज होते हैं। देखो उसने पूछा डू यू हैव लॉट ऑफ फर्नीचर, ऑफ कोर्स हर घर में फर्नीचर है गाइस। इज देयर एनीवन हु बॉट फर्नीचर फॉर यू, यहाँ क्वेश्चन है। अब आपको लगता है कि किसी ने गिफ्ट दिया है, किसी ने मेरे लिए फर्नीचर खरीदा, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत फर्नीचर खरीदा हुआ है। एक आता है व्हाट काइंड ऑफ फर्नीचर वुड यू लाइक टू बाय, अब इसमें क्या बोलोगे आप, कोई भी फर्नीचर। जरूरी नहीं है कि आप किसी बुक से पढ़ के वही ये स्टडी टेबल ही बोलते रहे, तो आपको किसी फर्नीचर या हाँ आपको किसी भी तरह का अगर चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट है फर्नीचर की, कुछ भी बोल दीजिए। जरूरी नहीं है स्टडी टेबल ही चाहिए होता है स्टूडेंट्स को, बेड भी हो सकता है उन्होंने चेंज करना है। और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं मनप्रीत? रिलेटेड हैप्पीनेस, इसके रिलेटेड भी आ रहे हैं कि हाउ यू फील हैप्पी और व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी, तो इसके रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग दैट मेक यू फील हैप्पी लेटली। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू टू स्टे हैप्पी। थर्ड, कैन यू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। इज इट इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कौन सा जो मनप्रीत ने लास्ट बोला, इज इट इम्पोर्टेंट टू बी हैप्पी, अब इसमें देखिए ऑफ कोर्स इट इज। और अगला क्वेश्चन देखिए, कैन यू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम, हाउ कैन वी स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। चाहे हम कितना भी सोचें कि हम हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी जरूर बनती है कि हमें कभी कभी हम सैड भी हो जाते हैं, लेकिन हाउ वी ओवरकम दैट। तो इसमें हम बता सकते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम, तो उसमें आप बता सकते हो कि किस टाइम आप सैड फील कर सकते हो या किस टाइम आपको गुस्सा आता है, तो यू कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। नेक्स्ट देखिए ट्रीज, ट्रीज वैसे तो ट्रीज पे पहले भी क्वेश्चन पूछते आए हैं, लेकिन 2021 में इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस ट्रीज पे पूछे जा रहे हैं काफी। किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं ट्रीज पे? ट्रीज पे देखो कैसे पूछ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू पीपल यूजुअली प्लांट इन योर कंट्री एंड हाउ अबाउट योर होम टाउन। यहाँ भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं किस तरह के ट्रीज हमारे देश में है। आपको पता ही है कि मैंगो, एप्पल, सो मेनी टाइप ऑफ ट्रीज आर देयर, नीम ट्री भी बोलते हैं, यस पीपल ट्री भी बोलते हैं, एंड द अदर इज How about your hometown? As we live in North India, I think हमारे सब तरह के trees हमारे यहाँ। Mango भी बोल सकते हैं हम, गावा। Yeah. Have you ever planted trees? अब देखिए इसमें आपको एकदम diplomatic answer देना है। अब ये नहीं कि I have never got chance to plant tree या I have planted so many trees। ये थोड़ा सा vague answers लगेंगे। Better है अगर आपने plant नहीं किया तो बोल दो कि मैंने छोटे मोटे प्लांट्स तो घर में लगाए हैं, पर ट्री नहीं कोई लगाया। लेकिन अगर लगाया है यू कैन एक्सप्लेन। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने कॉलेज टाइम में एनएसएस कैंप में ट्री लगाया था जो अभी काफी बड़ा हो गया है, तो मैं वो बता सकती हूँ। ये नहीं है कि मैं हर साल अपने बर्थडे पे ट्रीज लगाती हूँ, तो मैं नहीं लगाती तो मुझे बड़ा फेक लगेगा अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपने बर्थडे पे नया एक पेड़ लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा वैसे मोस्टली बच्चे करते भी नहीं। हाँ तो बेटर है आप जो करते हो वो बोलो, कोई हो भी सकता है, कोई स्टूडेंट जो हर साल या हर महीने पेड़ लगाता है तो वो बता दे। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज डू यू प्लांट। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, जब मैंने ये कह दिया कि मैं तो ट्रीज प्लांट ही नहीं करती या मैंने रेयरली एक आधा ट्री प्लांट किया है, तो ठीक है, तो आप कह सकते हो आई वुड लव टू प्लांट दीज काइंड ऑफ ट्रीज। यहाँ जरूरी नहीं कि आपने कौन सा किया है या किस तरह का आप करते हो, फ्यूचर में करने का प्लान है वो कह सकते हो। जैसे अब मैं कहूँ I would like to have a mango tree in my house. Do you like planting trees and why? अब देखो मैंने क्या बोला कि मैंने पहले क्वेश्चन में कह दिया कि मुझे नहीं है ये शौक, मैं rarely मुझे एक आधा मैंने ट्री लगाया है, तो फिर आपने यहाँ पे क्या बोलेंगे कि I would love to plant, क्योंकि environment friendly मैं हूँ। क्यों मनप्रीत yes. बोल सकते हैं ये? Obviously, हम ये भी बोल सकते हैं कि like once a time I have someone else. Yes. तो कि मैंने किसी टाइम में हेल्प की थी, तो उसमें भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने खुद प्लान नहीं किया लेकिन या फिर आपने देखा था कि माय चाइल्डहुड। अब और जो टॉपिक्स आ रहे हैं गाइस वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। लेटेस्ट 2021 जनवरी एंड फरवरी पिकनिक्स, दो इट इज वेरी ओल्ड टॉपिक अगेन, बट येस अभी फिर से इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हाउ ऑफन डू यू गो फॉर पिकनिक्स, वेयर डू पीपल लाइक टू गो फॉर पिकनिक्स इन योर कंट्री, विद होम यू लाइक टू गो, व्हेन एंड विद होम डिड यू लास्ट गो फॉर अ पिकनिक। अगर हम देखें मनप्रीत इन दिनों पिकनिक्स का ट्रेंड कम हो गया, कम हो गया, तो ठीक है फिर आप उसके लिए बताओ कि आई रेयरली गो फॉर पिकनिक, तो आपको वही बताना है कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते थे पहले, वो भी यू कैन एक्सप्लेन बता सकते हैं। यस
गाइस इसमें ये जैसे मनप्रीत ने कहा पास में भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अभी आप जाते हो, है ना, जरूरी नहीं है अभी आपका प्लान हो जाने का या आप ये चीज करते, तो आप यू कैन एक्सप्लेन दैट। और आपको मैं एक चीज बता दूं, इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट यू, इसमें तो आपने सिर्फ अपने बारे में ही बताना है, तो एनीथिंग यू कैन टेल। ऑलराइट, और मनप्रीत और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैन फेब में? आजकल विंडो के रिलेटेड का, विंडो पे क्या क्वेश्चन हुआ? से व्हाट कैन यू सी फ्रॉम योर विंडो। ओके, That looks interesting. What you can see from your window? See, हम लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, हमारी विंडोज के बाहर मुझे तो लगता है लोगों के घर ही दिखते हैं, है ना, तभी तो हम कर्टन ड्रॉ करके रहते हैं। तो अब इस केस में देखिए, अब आप क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यही कि हमारे घर की विंडो से हमें कुछ नहीं दिखाई देता, सैडली कोई ट्री भी नहीं है, तो हमें तो लोगों के घरों की वॉल्स ही दिखाई देती है। बट इसीलिए आई प्रेफर टू हैव अ गुड व्यू एट टेरिस, टेरिस पे एटलीस्ट आपको स्काई तो दिखाई देता है ना। yes. तो ये देखिए, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है, बड़ा इजी। अब इसके लिए अभी आप क्या आंसर दोगे? अब ये तो नहीं कह सकते सी व्यू है, हिल्स व्यू है, जिनका है वो तो कहेंगे, लेकिन अर्बन एरियाज में तो नहीं है। अब रूरल एरिया का बच्चा यहाँ कह सकता है आई कैन सी फील्ड्स ग्रीनरी फ्रॉम माई विंडो, so this can be difficult question for urban people. और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मनप्रीत? मॉर्निंग के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। मॉर्निंग? यस। इसे व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? ऑल राइट। और व्हाट इज योर फेवरेट मॉर्निंग एक्टिविटी? डिड यू एवर हैव टू गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग? तो ये मॉर्निंग के रिलेटेड भी हो गए, एज वेल एज कि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो या नहीं उठते, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये भी दो तीन क्वेश्चन हैं जो रिसेंटली बच्चों को हमने पूछे हैं। एक और टॉपिक आ रहा है आजकल, सिंगिंग। सिंगिंग पे बड़ा, अभी सिंगिंग पे क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? देखो, डू यू लाइक सिंगिंग? अब देखिए, मेरी आवाज जैसा बंदा अगर कहेगा आई लव टू सिंग, पर वो गाना नहीं गवाएंगे गाइस, तो कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपकी वॉइस, जरूरी है नहीं है कि आपकी वॉइस ऐसी हो कि आप गा सको, वो तो इट्स जस्ट अ हॉबी, हमने कौन सा कहा है हम प्रोफेशनली गा रहे हैं। तो अब इसमें आपने ये नहीं कहना, मैंने देखा एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर दिया, I do not have good voice. What do you mean? Do you like singing? We can sing whenever we are doing any kind of work, driving. I don't think we are recording that time. अगर record भी कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसमें हमें ये कहना चाहिए I don't like singing because I don't have good voice. Singing is something else. We are not taking it professionally. So yes, I love singing whenever I am alone. आप गाते रहते थे जब छोटे थे, तो कह सकते हैं ऑफ कोर्स इन चाइल्डहुड वी लव टू एक्चुअली कॉपी एवरी सॉन्ग, है ना। और वुड यू पे फॉर सिंगिंग क्लासेस? गाइस देखिए, अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ गया, अगर तुम्हें सिंगिंग का शौक नहीं है तो तुम कह सकती हो नो, आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम ऑन अदर एक्टिविटी, है ना। अब अगर मुझे सिंगिंग का शौक है, मैं कह सकती हूँ कि आई वुड लव टू लर्न सिंगिंग, फाइन। एक और टॉपिक है गाइस, क्लोथ्स। मनप्रीत बताना क्लोथ्स के बारे में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? इसे व्हाट इज योर फेवरेट क्लोथ, और इसके बिना व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक टू वियर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू वियर ट्रेडिशनल क्लोथ्स टू फेस्टिवल्स, व्हाट कलर्स ऑफ क्लोथ्स डोंट यू लाइक टू वियर। देखिए, जैसे मनप्रीत ने अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा व्हाट कलर ऑफ क्लोथ्स यू डोंट लाइक टू वियर, है ना। अभी ये देखिए क्वेश्चन है कि कोई कलर आपको पसंद नहीं है, अब इसमें हो सकता है जो कलर आपको पसंद नहीं वो एग्जामिनर का फेवरेट हो, इस वजह से वो आपका स्कोर नहीं काटेंगे, डोंट वरी। लेकिन हम आंसर कैसे देंगे, हम कलर को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम बताएंगे वो कलर हमें इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो हमें सूट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं येलो, आई डोंट लाइक टू वियर येलो बिकॉज इट डज नॉट सूट्स मी, दैट्स बेटर, फाइन। और मोस्टली कई बार बच्चे क्या होते हैं कि वो वर्सेस फेवरेट कलर भी पूछ लेते हैं, तो वो सबका बहुत कॉमन हो जाता है कि ब्लैक कलर हर एक बोलता है, तो सो ट्राई कि आप कुछ थोड़ा डिफरेंट बोलो। हाँ, और कई मैंने देखा है कि जब फेवरेट कलर पूछते हैं तो उसमें बच्चे कह देते हैं आई लाइक ग्रीन बिकॉज इट्स सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आई लाइक व्हाइट इट्स सिंबल ऑफ पीस, इजंट इट फनी एंड प्रिपेयर्ड आंसर। इसलिए गाइस आप नेचुरल रहे, आपको कोई कलर पसंद है क्योंकि वो आप पे अच्छा लगता है और आप उस कलर के क्लोथ्स में अच्छे लगते हैं, सो बेटर क्या है, नेचुरल आंसर्स, डोंट गिव मेमोराइज्ड आंसर, वो बड़ा बेकार आंसर होगा। और कोई न्यू टॉपिक आया मनप्रीत रिसेंटली? जो भी और आया था ये
प्लेट के रिगार्डिंग है। ओह ग्रेट, ये भी एक न्यू टॉपिक है जो पहले मतलब इतना कॉमन नहीं है था, लेकिन अभी ये न्यू ही आया है टॉपिक। इसे इसके क्वेश्चंस हैं, डू यू स्टे अप लेट, डू योर किड्स स्टे अप लेट, व्हाई डू यू थिंक स्टेइंग अप लेट इज नॉट गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो अभी एग्जाम में आ रहे हैं। ये भी डिफरेंट हुआ। सी, गेटिंग अप अर्ली तो था ही, स्टेइंग अप लेट भी है। और मैंने नोटिस किया एक स्टेइंग अप लेट है और एक है गाइस स्टेइंग आउट लेट। अब दोनों में क्या फर्क है? स्टेइंग अप लेट हुआ आप जागते लेट हो, स्टेइंग आउट लेट हुआ आप घर से बाहर रहते हो लेट नाइट। अब इन दोनों क्वेश्चंस को कंफ्यूज मत करना। अगर उन्होंने पूछा आप क्यों लेट जागते हो और आप चाहोगे कि आपके बच्चे लेट जागे, है ना, अगर वो पूछ ले कि क्यों स्टेइंग लेट गुड नहीं है, तो आपको बताना इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब स्टेइंग आउट में वो पूछ लेते हैं आप क्यों बाहर रहते हो, हो सकता है आप काम की वजह से लेट वापस आते हो सकता है आप पार्टीज वगैरह लाइक करते हो, तो यू कैन डिस्क्राइब दैट। जैसे आजकल जो और क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिलेटेड टू हरी भी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे लाइक डू यू थिंक दैट डूइंग थिंग्स इन अ हरी इज अ गुड आइडिया, व्हाट शुड नॉट बी डन इन अ हरी, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो आस्क फॉर एग्जामिनर। गाइस देखिए, व्हाट डू यू डू इन अ हरी, डू यू थिंक डूइंग थिंग्स इन अ हरी इज अ गुड आइडिया, आई थिंक यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। जल्दी का काम शैतान का, सो बेटर है हम लोग जल्दी में कोई भी काम ना करें, जैसे कि हमने ये वीडियो भी जल्दी में नहीं बनाया। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट बी डन इन अ हरी। ऑफ कोर्स कोई भी इम्पोर्टेंट काम जल्दी में नहीं करना चाहिए, स्पेशली ड्राइविंग। हाउ कैन वी ड्राइव इन अ हरी गाइस, क्योंकि उससे क्या होगा, हम अपना ही नहीं दूसरों को भी रिस्क पे डालते हैं। तो आप इसमें आप ड्राइविंग का भी बोल सकते हैं, बाकी आप बोल सकते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें दोबारा करना पड़ेगा अगर खराब हुआ। तो देखिए गाइस, ये थे क्वेश्चन जो लेटेस्ट अभी पूछे जा रहे हैं जनवरी और फरवरी में। हम और भी वीडियो लेके आएंगे, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जो लेटेस्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोज में वो डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो डिस्कस किए हैं ये जैन और फेब 21 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको क्यू कार्ड डिस्कशन भी बताएंगे जो लेटेस्ट क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं। आई होप एवरीवन आपको इस वीडियो से काफी आइडियाज मिल गए होंगे नए टॉपिक्स से रिलेटेड कि कौन से न्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।